बासी रोटी। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक वैज्ञानिक बात बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है वो लोग बीमारियों से ज्यादा ग्रसित हैं, और जिन लोगों के पास पैसा कम है उन लोगों के पास बीमारियां भी कम हैं। इन दोनों के बीच का ये जो अंतर है पैसों को लेकर, शायद ये बीमारियों के बीच का भी उतना ही अंतर है, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा है उतना ही हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। हम एक चीज अपने पैसों के दम पर जरूर करते हैं, ताजा खाना खाते हैं और हर चीज ताजी खाते हैं। ताजा खाया अगर कुछ बच गया तो उसे फेंक दिया। हमने रोटी बनाई शाम को, 4-5 रोटियां अगर बच भी गई तो सुबह किसी जानवर को खिला दिया। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बासी रोटी खाने के बहुत से फायदे हैं, और गरीब लोग कभी ऐसा नहीं करते। गरीब लोग बची हुई रोटी को भी खाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोटी को फेंक सके। वो अगर कोई खाना बच भी जाए तो उसे सुबह खा लेते हैं, और यहीं पर वो कहीं न कहीं एक अच्छी चीज जरूर कर देते हैं। आज का विज्ञान भी कहता है कि बासी चीजें खाने के फायदे हैं, वो भी गेहूं की बनी हो तो। हर बासी चीज का फायदा नहीं होता। आज हम आपको गेहूं की बनी हुई बासी रोटी खाने के फायदे बताएंगे। ऐसे फायदे जिसे जानकर आप इतना हैरान होंगे कि आप सोचेंगे कि आज तक इतनी रोटियां जो हमने फेंक दी क्यों फेंकी। आज मैं आपको बताता हूँ, बासी रोटी को अगर सुबह खाली पेट खाया जाए तो क्या फायदा होगा। जब आप रात को रोटियां बनाते हैं तो कुछ बच जाती हैं, सुबह हम इन्हें फेंक देते हैं या जानवर को डाल देते हैं। आज से ऐसा मत कीजिए, आपको उन बासी रोटियों को सुबह खाना है। सुबह खाली पेट खाना कैसे है? सुबह उठकर उन बासी रोटियों को दूध में डुबो दीजिए। 5 मिनट के बाद उस रोटी का आपको सेवन करना है। दूध को गर्म नहीं करना, दूध के अंदर चीनी नहीं मिलानी, सिर्फ फीका दूध, और वो भी बिना गर्म किए। खाली पेट उस रोटी को खाते हैं, उसके जो फायदे होंगे आप हैरान हो जाएंगे जानकर। सबसे बड़ा फायदा डायबिटीज में है दोस्तों। डायबिटीज आज के समय की बहुत बड़ी बीमारी है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम दवाइयां खाते हैं, और ये दवाइयां आपके लीवर, आपके पैनक्रियाज, आपके किडनी पर इफेक्ट करती है। हम आपको बता दें कि आप अगर हर रोज डायबिटीज की दवाई खाते हैं तो आने वाले 10 सालों में आपका शरीर खोखला हो जाता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद वो डायबिटीज के कारण होता है, लेकिन नहीं, ये डायबिटीज के कारण नहीं होता, ये होता है आपके दवाइयां खाने की वजह से। इसलिए जो लोग डायबिटीज की दवाई खाते हैं 10 साल बाद उनका शरीर किसी काम का नहीं रहता। प्लीज आप डायबिटीज के केस में दवाई मत खाइए, डायबिटीज के केस में आप गेहूं की बासी रोटी खाइए। ये बासी रोटी इतनी ताकतवर है, ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करेगी और जड़ से खत्म कर देगी सिर्फ 2 से 3 महीनों में। हर रोज बासी रोटी खाने से डायबिटीज खत्म हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी भी हर रोज दवाई खाते हैं, हाई बीपी में हर रोज एक छोटी सी गोली खाते हैं। वो छोटी सी गोली कितना बड़ा आपको नुकसान देती है। आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। वो दवाई जब आप खाते हैं तो वो आपके हाई बीपी को कुछ नहीं करती, वो सिर्फ कुछ समय का आपको रिलैक्स देती है, बस इतना ही करती है। हाई बीपी की प्रॉब्लम वहीं की वहीं। आप एक चीज सोचिए, जब आप डॉक्टर के पास जाकर हाई बीपी की शिकायत करते हैं तो डॉक्टर आपको उसका कारण क्यों नहीं बताता? डॉक्टर आपको क्यों नहीं बताता कि आपका खून गाढ़ा है, सुबह खाली पेट पानी पियो? वो आपको ये कहेगा, अच्छा हाई बीपी है तो ये गोली खा लो। क्योंकि अगर आपको उसने ये बता दिया कि हाई बीपी का कारण क्या है तो उसकी डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास कौन जाएगा? तो डॉक्टर ये चीज बताता ही नहीं है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हाई बीपी का केस बहुत आसान होता है। हाई बीपी में सिर्फ आपको खाली पेट बासी रोटी का सेवन करना है और कुछ नहीं। सुबह खाली पेट गेहूं की बासी रोटी दूध में डुबोकर खाओ, हाई बीपी की प्रॉब्लम 1 महीने में खत्म, और उसके बाद हर रोज सुबह उठते ही 4-5 गिलास पानी पियो। हर रोज खाली पेट पानी पियो, हाई बीपी कभी नहीं होगा। सच मानिए, हाई बीपी की प्रॉब्लम में सुबह खाली पेट भरपेट पानी पीजिए, हाई बीपी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। सुबह उठकर बासी रोटी को दूध में डुबोकर खाओ, आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। इतना ही नहीं, ये बासी रोटी वजन को भी कम करती है। वजन बढ़ने से सभी परेशान हैं। हम क्या करें, वजन बहुत बढ़ गया, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम नहीं कर सकते, टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, सुबह उठो, बासी रोटी खाओ, दूध में डुबोकर आपका वजन बहुत जल्दी कम होगा। दोस्तों, इस तरह से आप बासी रोटी के जरिए अपनी कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आप बासी रोटी को आज से ही फेंकना बंद करें और इसे खाना शुरू करें। गेहूं की बनी हुई बासी रोटी हर रोज खाइए और शरीर को स्वस्थ रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।